नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं अशोजा डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं या परेशानी उत्पन्न होती है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए ये जो राशिफल है चंद्रमा के गोचर के आधार पर है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा पृथ्वी के इतने नज़दीक है कि इसका हर मोशन का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। यानी हमारा मन चेंज होगा तो हमारा कर्म चेंज होगा। इसीलिए यह सप्ताह अगर चंद्रमा की गोचर की बात मैं करूं तो चंद्रमा जो है 6 तारीख और 7 तारीख को सिंह राशि में गोचर करेंगे और इनके ऊपर सूर्य बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। जहां सूर्य और बुध से इनकी बुधादित्य योग की शुभ दृष्टि पड़ेगी, वहीं शनि का 20 योग भी देखने को मिलेगा। अतः सभी राशि वालों को थोड़ा मानसिक शांति बना करके रखनी चाहिए। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को ऐसे तो योग कन्या राशि में रहेंगे जो शत्रुगत राशि है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग की स्थिति रहेगी और गज केसरी योग की उत्पत्ति में चंद्रमा का जो शुभ फल है उसमें बढ़ोतरी होगा और कन्या राशि के अशुभ फलों में भी थोड़ी सी कमी आएगी। इसके बाद 11 और 12 मार्च को जो है यह तुला राशि में रहेंगे। हालांकि देखिए तुला राशि का चंद्रमा लाभकारी होता है, लेकिन तुला राशि में केतु वर्तमान में गुजर रहे हैं तो यही कारण है कि केतु और चंद्रमा से जो है चंद्र ग्रहण योग बनेगा। अतः मैं यही बोलूंगा 11 और 12 तारीख को डिप्रेशन और क्रोध से अपने आप को बचाना है तो बेहतर रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं कि यह राशि फल जो है गोचर के आधार पे है, अतः आप इसे चंद्र राशि से देखें। किसी किसी को चंद्र राशि से मैच नहीं करता है तो आप लग्न के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को अपनी राशि पता नहीं होती है। ये जो राशि फल है ये गोचर के आधार पे बताई जाती है, अतः इसका फल घटित होना एक उस प्रकार से है जो आपके आने वाले समय को बताता हो। इस बात की सियोरिटी या गारंटी देना तो बहुत टफ होता है कि हर चीज़ बदल जाएगा, लेकिन गोचर के इफेक्ट मनुष्य के जीवन पर पड़ता है तो मैं आपके पास हर समक्ष अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके पूरे जीवन का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि वाले। मेष राशि वाले 6 तारीख और 7 तारीख को चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे। चतुर्थ का मालिक जब पंचम होगा तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी, जो आपके सामाजिक ख्याति को बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, आय के स्रोतों में वृद्धि होगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होंगी। साथ में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आने वाला रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई खानदानी प्रॉपर्टी या संपत्ति का केस मुकदमा भी आपके फेवर में आने वाला रहेगा। क्योंकि आय स्थान को देखेगा तो चारों तरफ से आय की वृद्धि होगी और देश विदेशों से भी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ वृद्धि देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति को यह बहुत ही बेहतर बनाएगा, अतः यह समय प्रेम से विवाह के लिए भी बहुत ही बेहतर माना जाएगा। 8, 9 और 10 तारीख को जो है आपको थोड़ी अस्वस्थता हो सकती है, पुराने कर्ज की आप मुक्ति करेंगे, लेकिन कुछ शत्रु या घर के लोग कुछ आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। जबकि आपको विदेश जाना है उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे और लोन लेना चाहते हैं यानी कर्ज लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी बेहतर योग रहेगा। लेकिन इस समय थोड़ी सी चेस्ट में पेन, पेट और पैरों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हल्का फुल्का सिर दर्द या थोड़ी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। 11 और 12 तारीख को वैवाहिक जीवन में जबरदस्त सुधार होगा, संतान सुखों की प्राप्ति के अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। इस समय ससुराल पक्ष से भी आपको स्थितियों में सुधार होगा। कई लोग चाह रहे थे कि नौकरी या व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर परिवर्तन रहेगा। मेंटल पीस मिलेगा, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी या फिर डिप्रेशन या तनाव या बदनामी से आप बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है कई समय से जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार होगा। जीवन साथी से कुछ महत्वपूर्ण आपको गिफ्ट भी मिल सकता है या उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले तो पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खाइए, बहुत लाभकारी प्रभाव मिलेंगे। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख और 7 तारीख यानी 6 मार्च और 7 मार्च को
बहुत ही बेहतर समय है। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां हो रही थी, यह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आपके आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। परिवार से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, माता और पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और जहां आप काम करते हैं वहां पे एक अचानक से प्रमोशन के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में जो है भूमि मकान वाहन का भी सुख देखने को मिलेगा, या कहीं किसी प्रकार का कोई संपत्ति आपका फंसा पड़ा था तो वह प्रॉब्लम भी डिजॉल्व हो जाएगा। 8, 9 और 10 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ है। लव लाइफ में बहुत समय से जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएगी। परिवार के लोग लव लाइफ को लेकर के या प्रेम विवाह को लेकर के जो नहीं मानते थे वो हम मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, प्रथम संतान के सुखों में वृद्धि होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है, रुकी हुई शिक्षाएं आपके द्वारा कंटिन्यू चालू हो जाएगी। हालांकि यह समय विदेश जाने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, कहीं आपके पैसे फंसे हैं तो रिश्तेदारों में वह निकलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी रिसर्च वगैरह में हैं तो आपका रिसर्च कामयाब होने को रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई थी और उसमें कोई केस मुकदमा चल रहा था या सरकार से किसी प्रकार का विवाद चल रहा था तो आपके फेवर में आ जाएगा। संतान के सुखों की वृद्धि नहीं है, संतान की तरक्की में भी वृद्धि है, और संतान से दूर थे तो आपके पास भी आना प्रारंभ कर देंगे। 11 और 12 तारीख को थोड़े शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को थोड़ा पेट और पैरों की समस्याएं आपको हो सकती हैं। 11 और 12 तारीख को देखिए थोड़ा आपको डिप्रेशन, तनाव और आलस्य से बचना चाहिए। इस समय कुछ किसी गलत लोगों के चक्कर में या परिवार के लोगों के चक्कर में धन की हानि हो सकती है तो आपको पैसे थोड़े से बचाने चाहिए। जबकि विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभकारी समय है। विदेश जाने से रिलेटेड ग्रीन कार्ड, वीजा या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आपके लिए लाभकारी पोजिशन रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और मोटा कर्ज है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान है तो अचानक से जो कुछ पैसे आएंगे आप मोटे कर्ज की भी मुक्ति करते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी रहेगा कि हो सकता है कि पुराने लव लाइफ जो काफ़ी समय से खराब चल रहे थे आपसे उनका तालमेल पुनः स्थापित हो जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वृषभ राशि वाले, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है दही में मिश्री मिला करके भगवान विष्णु को भोग लगाए या माता लक्ष्मी को भोग लगाए और खा के ही घर से निकले। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो 6 और 7 मार्च को आपकी कुंडली में चंद्रमा प्राकर्मेश यानी तृतीयस रहेंगे। मिथुन राशि वाले, संघर्ष तो आपके जीवन में कभी पीछा छोड़ता नहीं, लेकिन 6 और 7 तारीख को धन के योग बढ़ते हुए दिखेंगे। पारिवारिक तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जो पुराने मित्रों से सहयोग आपके खराब हो चुके थे वह ठीक होगा। साथ में सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। परिवार के लोग आपके साथ आप बहुत ही अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा विदेश यात्रा का भी योग बेहतर है। कोई सीनियर अधिकारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था या आपको दबाने की कोशिश करता था तो आपको नए नौकरी के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे या फिर आपके पद में बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि आपके प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा और तरक्की के रास्ते भी खुलते हुए दिखेंगे। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। इस समय आपके खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होंगे। कोई संपत्ति वाहन बेच करके धन अर्जित करना चाहते थे, बिल्कुल होगा। पैतृक संपत्ति का पैसा कहीं बहुत मोटा फंसा हुआ था वह भी निकल जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और माता और पिता बहुत ही अच्छे से इसे स्वीकार भी करेंगे। बहुत पुरानी लव लाइफ जो आपके जीवन में खराब चल रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जहां आप कर्म क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं अचानक आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और आप उससे खुश भी रहेंगे क्योंकि सैलरी बढ़ता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति तो बढ़ना तय है और जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय जीवन में हो नहीं सकता, ऐसा ही व्यर्थ में घूमते फिरते जीवन निकल जाएगा, दुखी थे मन में, बिल्कुल दुखी नहीं होने का है क्योंकि इस समय इससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। 11 और 12 तारीख को मिथुन राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 11 और 12 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान सुखों में वृद्धि है। जो संतान कंसीव किए हुए हैं जिनके स्वास्थ्य कंटिन्यू खराब चल रहे थे इसमें सुधार हो जाएगा। डिप्रेशन और तनाव से तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे और किसी कारण से लव लाइफ में बहुत समय से मतभेद था तो आप दोनों के मध्य में बातचीत प्रारंभ हो जाएगा। पुराने पार्टनर का सहयोग बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा और
किसी अच्छे जगह पे एडमिशन कराना चाहते हैं, या फिर आपके स्कॉलरशिप को लेकर के, या फिर कोई रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा था, सारे चीज़ आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। आपको विदेश जाना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में सारे रुके हुए शिक्षा को दोबारा प्रारंभ करते हुए दिखेंगे। फिर भी मिथुन राशि वाले, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको 5 बार सिर्फ घर से निकलने से पूर्व गायत्री मंत्र का जाप करना है। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं, 6 तारीख और 7 तारीख को द्वितीय चंद्रमा धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाएगा। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ने लगेगी। आपके परिवार के लोग या आपके मित्र के ही लोग आपको धोखा देकर के कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं, तो वो लोगों से आपको उल्टा धन की प्राप्ति के अवसर बेहतर चालू हो जाएंगे। कई समय से दांपत्य जीवन में कलेश था, अलग अलग रह रहे थे, साथ में रहना प्रारंभ हो जाएगा और ऐसा संजोग बनता था कि ससुराल पक्ष भी इसके विवाद का कारण बनते थे, तो आप उनसे अलग जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हो सकता है ससुराल पक्ष से अलग होकर के सेपरेट जिंदगी जीना चालू करते। इसके अलावा क्योंकि आप सत्य बोलते हैं तो थोड़ा कड़वा लगता है, इस बार आप क्या होगा कि अपनी वाणी के दम पे लोगों का दिल जीतेंगे। और कई समय से एक जगह नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग दिखने चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याएं भी दूर होंगे और जीवन साथी के मध्य में मतभेद भी वैचारिक खत्म हो जाएगा। अचानक फंसे हुए पैसे निकलेंगे और धन संचय होने के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में बहुत ही बेहतर बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल आपके इस समय ठीक हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। जो सम्मान और इज्जत चला गया था परिवार के लोगों के कारण, वह पुनः वापस आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी कारण से किसी नौकरी व्यवसाय में लेकर के आपका विवाद था या कानूनी परेशानी थी, वह दूर हो जाएगी। आप किसी प्रकार का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो जाएंगी। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, 11 और 12 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में चंद्रमा केंद्रस्थ हो जाएंगे। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठना सबसे ज्यादा लाभकारी और उन्नति कारक फल माना जाता है। अतः इस समय भूमि मकान वाहन का लाभ है, उच्च शिक्षा का लाभ है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लगना तय है और बदलाव के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। इस समय पिता का बहुत ही बेहतर सहयोग मिलेगा और माता से भी धन की प्राप्ति होगी। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं वाहन वगैरह, तो 100% होगा। हो सकता है कहीं अच्छी यात्रा में भी जाएं और सभी बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क भी स्थापित होंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन साबूदाने का खीर बना करके भगवान शिव को अर्पित करने का, और हो सके तो थोड़ा इसका सेवन कीजिए। ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए कभी कभी उपाय भी थोड़ा हार्ड करना पड़ता है। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा चालू करूं, 6 तारीख और 7 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के लग्नस्थ हो जाएंगे। अतः इस समय अपने जीवन के बड़े बड़े आप निर्णय लेंगे, कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे, जीवन साथी से आपके तालमेल तो ठीक होंगे ही होंगे और जीवन में कुछ की गलतियों का आप जो है सुधार भी करना चालू करेंगे। जब मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर लेता है। तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े पहाड़ को, जो आप डिसीजन जीवन में 6 और 7 तारीख को नहीं ले पाते थे, वह निर्णय और डिसीजन लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग मिलेंगे आपको, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा या मतभेद था तो उसमें सुधार होगा, पेट पैर और यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। 8, 9 और 10 तारीख को आपके लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी इसमें सुधार के योग दिखेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, धन संचय होगा, वाणी में कड़वाहट में कमी होगी और लोगों से काम निकालने की क्वालिटी आप में बनेगी। वैवाहिक जीवन में कलेश में जो मतभेदता थी, वैचारिक मतभेदता, उसमें कमी होगी और ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति बिकेगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी और हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 11 और 12 तारीख को आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखे, इस समय विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। किसी कारण से कोई कानूनी परेशानी या डिस्टर्बेंस चल रहा था उसमें सुधार के योग बेहतर होते हुए दिखेंगे। कोई पुराना केस मुकदमा था उसमें आपका रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला रहेगा और मोटा कर्ज की मुक्ति भी करते हुए दिखेंगे। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेंगे, छोटे भाई बहनों का कोई वैवाहिक जीवन या सुखद कार्यक्रम या उनके तरक्की के रास्ते बेहतर खुलते हुए दिखेंगे और आपसे तालमेल में भी सुधार होगा। धार्मिक यात्रा भी आप इस समय करेंगे और प्रमोशन और पदोन्नति के बेहतर योग भी देखते हुए मिलेंगे।
पर यही है क्योंकि इस समय चंद्रमा जो है 11 और 12 तारीख को केतु के साथ रहेगा। फिर से अगर आप थोड़े घमंड करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं तो सारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय संतान सुखों में वृद्धि तो है, लव लाइफ में सुधार भी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत कन्या राशि वाले यानी 6 तारीख और 7 तारीख को आपके जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। इस समय धन का व्यय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आय में कमी देखने को मिलेगा, कर्ज लेने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, विदेश जाने से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आ सकता है। इस समय आपको किसी भी सिचुएशन में किसी के गारंटर वगैरह नहीं बनना है, शत्रु से बच करके रहना है। परिवार के लोग या मित्र के लोग आपकी गुप्त बातें लोगों को बोल करके आपको परेशान कर सकता है, तो इस समय आपको किसी भी सिचुएशन से बच के रहना है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के भी इस समय थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिलेगी और कोई संपत्ति को लेकर के केस मुकदमा बढ़ सकता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। जबकि 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार है, जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जो आपकी प्रतिष्ठा इज्जत जो समाज में गई है वह पुनः वापस आएगी। आपके जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा ही और जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ भी दिखेगा। इसके बाद फिर और अगर मैं बात करना चाहूँ, इसके अलावा जो है आपके जीवन में मेंटल पीस भी मिलेगा और जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कन्या राशि वाले इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि आप अपने जीवन में जो है रुके हुए काम को पुनः प्रारंभ कर देंगे। 11 और 12 तारीख को जो धन का लॉस हुआ था 6 और 7 तारीख को वो रिकवर होना चालू हो जाएगा और इसके साथ धन संचय भी चालू हो जाएगा। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा और विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे आएंगे। ऐसे तो विवाह के योग 8, 9 और 10 तारीख को भी आएंगे, लेकिन इस समय सेट होने के कगार पे ज्यादा चांसेस रहेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर संयोग मिलेगा। आपके प्रथम संतान यानी जो बड़े संतान, उनकी तरक्की होगी, पिता से भी धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या विवाद था तो उसमें आपके फेवर में रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सप्ताह को प्रत्येक दिन एक सफेद पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। इनके से अगर ये नहीं हो पाता है तो आप मिश्री अर्पित कीजिए या फिर कपूर की आरती भगवान शिव के शिवलिंग पे दिखाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात करूं साप्ताहिक राशि फल का, तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा है। 6 और 7 तारीख को तुला राशि वाले धन के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। मानसिक शांति के अलावा बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। इस समय पेट और पैरों की समस्या भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। हालांकि किसी बात को लेकर प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद के योग बन सकते हैं, लेकिन जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय जीवन का हो ही नहीं सकता, तो 6 और 7 तारीख को तुला राशि वाले नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय बड़े भाई बहनों या रिश्तेदारों के पास जो आपके धन फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे और आप अच्छे जगह पर एडमिशन वगैरह कराना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को तुला राशि वाले धन का नुकसान हो सकता है। इस समय सीनियर अधिकारियों से मतभेद, वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस समय धन की कमी होगी तो आप कर्ज ले सकते हैं, जबकि मैं कर्ज लेने के लिए मना करता हूं, और परिवार के लोग या गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस समय आपके पिता से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और पिता के द्वारा कुछ बड़ा नुकसान की संभावना बन सकती है, तो मैं बोलूंगा कि इस समय कोई भी काम सोच समझ करके आपको करना बेहतर रहेगा। सिर दर्द, पेट संबंधित समस्याएं और हृदय संबंधित समस्याएं इस समय आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, और वैवाहिक जीवन को लेकर के अविश्वासिता हो सकती है, तो विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। 11 और 12 तारीख को सुधार आएगा। इस समय आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जबकि 8, 9 और 10 तारीख के व्यापार में जो समस्याएं थी इसमें और नौकरी में उसमें सुधार हो जाएगा, यानी नए नौकरी व्यवसाय के योग आ जाएंगे। एक ऑफर था लेकिन बेहतर नहीं था, इस समय 2-3 मल्टीपल ऑफर आने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी से जो तालमेल खराब था या वैचारिक मतभेद बढ़े हुए थे उसमें सुधार हो जाएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप लेना चालू कर देंगे। इस समय आपके पिता आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करेंगे, पिता के द्वारा संपत्ति या धन की प्राप्ति भी होगी। लव लाइफ में सुधार के अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे या कहीं विवाह करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गुलाब फूल की अगरबत्ती जो है यानी गुलाब एसेंस की अगरबत्ती माता लक्ष्मी के सामने सिर्फ आप जलाना चालू कीजिए ना, देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी जबरदस्त बन जाएंगी। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं, 6 और 7 तारीख को जिनको लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता, शांत हो जाइए, इस समय नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, माता और पिता दोनों से तालमेल अच्छा होगा और भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति होगी। हो सकता है अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स भी आप परचेज करें और काफी सालों से प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो पा रहा था या विदेश जाने से रिलेटेड आपके सीनियर अधिकारी नहीं मानते थे तो सीनियर अधिकारी आपके जीवन में मानना प्रारंभ कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात 6 और 7 तारीख को आपके जीवन में यह भी देखने को मिलेगा वृश्चिक राशि वाले कि आपके माता के द्वारा कुछ मोटा धन की प्राप्ति या कुछ गिफ्ट मिल सकता है और नीचे तख्ते के लोग या समाज के लोग या आपके अंडर में जो काम कर रहे थे, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उन लोगों से तालमेल आपका ठीक हो जाएगा जो आने वाले व्यवसाय में लाभकारी होगा और मन चाहा स्थानांतरण तो होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। जबकि 8 तारीख और 9 और 10 तारीख को गज केसरी योग का बेहतर लाभ मिलेगा। इस समय अचानक से भूमि मकान वाहन का लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय संतान सुखों में वृद्धि होगा, प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के सुखों में वृद्धि होते हुए दिखेंगे। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो लाभ मिलेगा, ज्यादा लगाओगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएंगी, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस के अलावा पढ़ाई के लिए विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय वृश्चिक राशि वाले कि पुराने से पुराने लव लाइफ में जो एकदम परेशानियां खराब हो गई थी, एक दूसरे के मध्य में मतभेदता इतनी बढ़ी गई थी कि लव लाइफ का तो धजिया उड़ा हुआ था, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे और आप किसी रिसर्च वगैरह में है तो लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान कंसीव होना तय है और जो पहले से संतान कंसीव किए हुए थे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होना तय है। ये बहुत ही बेहतर टाइम दिख रहा है। हालांकि देखिए 11 और 12 तारीख को सावधान हो जाइएगा, कहते हैं कि जब इंसान की तरक्की होती है और सुख समृद्धि बढ़ता है तो मांगने छांगने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, अतः इस समय जो है 11 और 12 तारीख को कुछ धन का व्यय होता हुआ दिखेगा। परिवार के लोग आपसे धन की प्राप्ति कर सकते हैं या पिता भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सोच समझ के देना है, गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो जाए। हालांकि जो कर्ज लेना चाहते हैं आपके लिए बेहतर टाइम है, लेकिन कुछ परिवार के ही लोग आपकी चुगली करना चालू करेंगे या आपको नीचे गिराने का या डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकती है या किसी से कर्जा लेके रखे थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन आ सकती हैं। कोई सीनियर अधिकारी किसी प्रकार को केस मुकदमा में फंसाने का कोशिश कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय मैं आपको यह बताना चाहूँ, इस समय जो है आप अपने भाई बहनों को धन दे सकते हैं, हो सकता है कि आपसे धन मांगे और यह षड्यंत्र के द्वारा होगा तो आप धन देंगे तो लॉस हो जाएगा, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 1 सुपारी भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रत्येक दिन अर्पित करना है और घर से निकलना है। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख और 7 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति का योग होना तय है। पुराने केस मुकदमा में आपका जो है निपटारा हो जाएगा, खानदानी संपत्ति बिक करके लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि आपका परिवार वाले लोग आपको देना भी नहीं चाह रहे थे। हालांकि केस मुकदमा का योग तो बना पड़ा है लेकिन अब आपके फेवर में आएगा। जो सीनियर अधिकारी आपको बेवकूफ समझते थे या आपके ऊपर कंटिन्यू बर्डन डाल करके रखते थे वह ठीक हो जाएगा और सरकारी काम का लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों का, छोटे भाई बहनों का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा, आत्मविश्वास बनेगा और सरकारी कर्म क्षेत्रों से बेहतर लाभ होते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को धनु राशि वाले जिनको लगता था कि जीवन अब एंडिंग पॉइंट पे है, ना नौकरी होगा ना व्यवसाय होगा, जीवन ही खराब है, आप मत चिंता करिए। 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत ही जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय मानसिक शांति देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, माता और पिता आपको भरपूर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले से आप काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और अगर आप किसी प्रकार के पॉलिटिक्स में है तो मंत्रालय पद तक या कोई चेयरमैन का पद भी आपके जीवन में मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा
धनु राशि वाले के ससुराल पक्ष से आपके जो काफी समय से तालमेल खराब थी या आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वह मिल जाएगा और वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। 11 और 12 तारीख को धनु राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है आप लगाइए, लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप विदेश जाने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा, जो मन में नेगेटिव थॉट था कि अब जीना बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, क्यों भगवान इस जीवन में मुझे लाए हैं, यह सभी दूर होंगे और यह उल्टा आत्मविश्वास में बदल जाएगा। इसमें प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होगी और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की भी प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय धनु राशि वाले एक चीज यह भी देखने को मिल रहा है कि पुराने से पुराने लव लाइफ में सुधार होगा और विवाह के योगों में वृद्धि होगी और यह एक ऐसा समय रहेगा कि आपके पार्टनर और पिता सभी से तालमेल तो ठीक होंगे ही होंगे और संपत्ति बिक करके धन की भी प्राप्ति होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको जो है भगवान शिव को जल और दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए उनकी शिवलिंग पे। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। मकर राशि वाले, निश्चित तौर पे यह शुभ फल तो नहीं रहेगा, अतः 6 तारीख और 7 तारीख को वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ेगा। इस समय जो है पेट पैरों से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। इस समय जो है परिवार के लोगों से तालमेल खराब होगा, लव लाइफ में वैचारिक मतभेदता बढ़ सकती है या वैवाहिक जीवन में अस्विष्टता बढ़ सकती है, यानी किस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या एक आदमी दूसरे आदमी को चीट कर रहे हैं तो आप इस समय बच करके रहे, नहीं तो आने वाले टाइम पे केस मुकदमा का योग भी बन सकता है। ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी हो या खानदानी प्रॉपर्टी हो, विवाद बरकरार रहेगा, आपको इस समय बच करके रहना है, नहीं तो हो सकता है कि चोट चपाट मार्केस होने के कारण लग सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जबकि 8 तारीख और 9 तारीख और 10 तारीख को आपका पुराना प्रमोशन रुका हुआ हो जाएगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, उल्टा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आपके सीनियर अधिकारी आपको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे और विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। यही नहीं, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके भाई बहनों से सालों से खराब तालमेल ठीक हो जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद उनसे ठीक हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रथम संतान आपसे दूर यानी विदेश जाने से रिलेटेड जो आप बहुत दिनों से परेशान थे वह जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा मैं जैसा कि आपके जीवन में देख पा रहा हूं कि आप भी पढ़ाई से रिलेटेड विदेश यात्रा की विदेश जा सकते हैं और आपके जीवन में जो सबसे लाभकारी योग दिख रहा है कि आप मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। 11 तारीख और 12 तारीख की बात अगर करना चाहूं तो इस समय मकर राशि वाले आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिल जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, कई सालों से पार्टनरशिपिंग का मतभेदता जो चल रहा था इसमें सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। आप ही के परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे, सभी लोग आपकी कमियों को निकाल करके परेशान करते थे, उससे रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मेंटल पीस के अलावा भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी प्रॉपर्टी सालों से जो नहीं बिक रहा था वह बिकेगा और हो सकता है कि आप नए वाहन या कार भी बुक कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए मकर राशि वाले, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक उपाय, प्रत्येक दिन आपको 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं 6 तारीख और 7 तारीख को जो है सप्तमेश चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार के योग बनेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि लग्न पे इसकी दृष्टि रहेगी तो कुछ लोग आपको अपमानित या किसी कारण से थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं। इसमें पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं में तो बहुत हद तक सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे, किसी कारण से खानदानी विवाद या अस्थिरताएं जो जीवन में है इसमें थोड़ी सी सुधार की संभावनाएं होती हुई दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग का बेहतर लाभ तो मिलेगा, जीवन साथी से किसी कारण से मतभेदता या अस्थिरताएं हुई थी इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी और हो सकता है कि आपके जीवन में जो है कुछ परिवर्तन हो जो लाभकारी स्थितियों में रहेगा। जबकि आप इस समय नौकरी या व्यवसाय में है तो बेहतर परिवर्तन के योग है और नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के किसी कारण से छूट गया था, विवाद था तो ज्वाइनिंग
डिजाइनिंग होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा डिप्रेशन में तो आप रहेंगे, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जीवन साथी के सहयोग के अलावा कुछ हद तक लव लाइफ में सुधार के योग बनेंगे। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख का आपका जीवन ठीक नहीं है, इसमें डिप्रेशन, तनाव और अस्थिरताएं रहेंगे। किसी कारण से खानदानी विवाद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का बढ़ सकता है, हो सकता है इससे रिलेटेड केस मुकदमा तक की स्थिति बन जाए। परिवार के लोगों से आपके तालमेल ठीक रहेंगे, परिवार से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय थोड़ा सा लव लाइफ में अस्थिरताएं आ सकती हैं। जीवन साथी से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं, मन में हो सकता है नेगेटिविटी, डिप्रेशन, तनाव के कारण अपने आप को जो है आप बहुत ही असहज फील करेंगे और मन में नेगेटिविटी आ सकती है, तो कोई भी गलत काम नहीं करना है। इसके अलावा इस समय थोड़े से पेट और पैरों की समस्याएं तो रहेंगी। जीवन के कुछ बड़े निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जबकि धन की कमी तो आपके जीवन में नहीं होगी। हाँ, व्यर्थ की यात्रा या भागदौड़ हो सकती है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इसमें अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में रखना बेहतर रहेगा। इसमें प्रथम संतान से किसी बात को लेकर थोड़ी सी मतभेदता का योग देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन साथी से भी थोड़ी सी मतभेदता के योग देखने को मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि कुछ गलत जगह पे आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं या कुछ लोग पैसे आपसे ठग सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कहते हैं कि जहां देर है वहां अंधेर नहीं होता, तो ऐसा योग बनता है 11 और 12 तारीख को मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान से तालमेल ठीक होंगे, छोटे भाई बहनों से भी तालमेल में बहुत हद तक सुधार के योग बनेंगे। हालांकि देखिए इस समय भी बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस समय किसी कारण से थोड़ा सा पिता से मतभेद के योग बन सकते हैं, पेट और पैरों की समस्याएं बढ़ेंगी। और इस समय एक चीज थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ सकता है कि जीवन के कुछ निर्णायक और बड़े फैसले लेने को लेकर के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। इसके अलावा जो है परिवार के लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा, हो सकता है कहीं यात्रा या कहीं घूमने जाने चाहते हैं या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा जो नए जीवन में योग स्थापित होंगे। लव लाइफ में थोड़ा मोड़ा सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो भगवान शिव चालीसा का पाठ कर ले। अगर ये नहीं सक पाएंगे तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को जो है आप पेड़े का भोग लगाइए, सफेद पेड़े का, और खा के घर से निकलिएगा। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख और 7 तारीख को स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगा। प्रथम संतान से मतभेदता का योग देखने को मिलेंगे, पारिवारिक तालमेल खराब होगा और लव लाइफ की स्थितियों में सुधार के योग बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे। इस समय पेट और पैरों की समस्याएं परेशान कर सकते हैं, परिवार के ही लोग आपको डिस्टर्ब या तनाव दे सकते हैं और धन की हानि थोड़ी सी हो सकती है। जीवन के कुछ निर्णय लेने में आपको दिक्कत फील होगी और हो सकता है कि इस समय जो है आपको शिक्षा या फिर जो है किसी कारण से नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी 6 और 7 तारीख को बच के रहना है। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को मीन राशि वाले, वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति, लव लाइफ में सुधार, प्रेम से विवाह के योगों के अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में सुधार के अलावा जो है पारिवारिक तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार दिखेगा। जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी और इस समय आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे और प्रेम विवाह को लेकर परिवार वाले लोग माने या ना माने, आप इससे रिलेटेड कुछ बड़ा लाभ की संभावनाएं बनते हुए दिखेंगे। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को आपके नौकरी व्यवसाय में जो बदलाव होगा ये लाभकारी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी बिजनेस में या फ्रेंड सर्कल में आपके जो कुछ धन फंसे हुए थे वह मिल जाएंगे। इस समय आपका जो पेट संबंधित या यूरिन संबंधित जो दिक्कतें थी इसमें सुधार के योग तो देखने को मिलेंगे ही, और हो सकता है जीवन साथी के द्वारा कुछ गिफ्ट या कुछ लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिखें। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को आपके जीवन में जो है आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे, किसी कारण से आपके संतान दूर है तो उसमें सुधार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि द्वितीय संतान से तालमेल या उसके स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है आप स्थान परिवर्तन करें या अपने जीवन में जीने के लिए कुछ नए स्थितियों को सुधार करें, हो सकता है नौकरी में है तो व्यवसाय या व्यवसाय में तो नौकरी में जा सकते हैं। 11 और 12 तारीख को जो है कुछ लोग बदनाम करने का आपको कोशिश करेंगे, इस समय लव लाइफ में सुधार नहीं होगा बल्कि उल्टा खराबी होगी। प्रथम संतान से मतभेदता के अलावा जीवन साथी से मतभेद के योग दिख सकते हैं। पेट और पैरों की समस्या के अलावा डिप्रेशन में आप अपने आप को बहुत ही नेगेटिव की ओर लेकर के जाएंगे। पिता से तालमेल में थोड़ी सी खराबियां होंगी। मैं बोलूंगा कि आपको 11 और 12 तारीख को किसी भी हाल में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए और अपने आप को आत्मविश्वासी रखना चाहिए।
इसके अलावा जबकि धन की प्राप्ति होगी, कुछ मामलों में लव लाइफ में बातचीत तो होगी लेकिन बेहतर कुछ परिणाम बेहतर नहीं दिखेंगे। हाँ, मैं बोलूँगा किसी के झांसे में आकर के, परिवार या रिश्तेदारों के आकर के, मित्रों के आकर के कुछ गलत व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन ना कर लें। आपको इस समय खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से बच के रहना पड़ेगा जो अंदर ही अंदर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। यानी किसी भी हाल में अपने कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को नहीं खोना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश के समक्ष जो है मिश्री अवश्य अर्पित करना और खा के ही घर से निकलना है। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि वाले, संपूर्ण तौर पर साप्ताहिक राशि फल का संपूर्ण विवेचन मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।